आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के ताल्लुक से, कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन एंड इट्स मैनेजमेंट इन यूनानी। ये भी एक ऐसी टॉपिक है जो मॉडर्न साइंस इतना आगे जाने के बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ द स्किन डिजीज के अंदर सिम्टोमेटिक रिलीफ पे जाते हैं। मेजॉरिटी भी नहीं, हम कह सकते हैं मोर देन 99% ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ की तरफ जाता है। स्किन यानी कि स्किन से रिलेटेड यानी कि डर्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर हम उसको थोड़ा सा वजाहत करें, जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट की जो ट्रीटमेंट की मेथड और उनकी सोच के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, एक एंटीबायोटिक, एक एंटी फंगल, एक स्टीरॉयड, एक एंटीस्टेट, चार दवा से लोग पूरी की पूरी स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहां भी सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं। जब आप स्किन की बात करते हैं तो स्किन डिजीज बेसिकली अगर देखे जाए, डिजीज से जाने से पहले मॉडर्न और यूनानी दोनों इतिबार से, कॉन्सेप्ट के इतिबार से, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जो वेस्ट बाहर फेंकने की एक ऑर्गन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन बिगेस्ट, और एक सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों से रिलेटेड बीमारी ज्यादातर हो सकती है कि सेंसरी, यानी कि फाइव सेंस ऑर्गन में टैक्टाइल का भी काम करता स्किन, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने के लिए तरीका, एक जरिया भी है स्किन। ये कॉन्सेप्ट दोनों में, यूनानी में भी ये कॉन्सेप्ट है, और वो इस हिसाब से मॉडर्न में डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके जो बीमारी, जो भी स्किन में जो बीमारी पैदा होते हैं, तमाम बीमारियों को आपको डर्मेटाइटिस के नाम से या एक्जिमा के नाम से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेट किया और उसके हिसाब से इलाज करता है। अगर हम तकवे के साथ सोचे यूनानी आने से पहले, एक मॉडर्न एस्पेक्ट में, व्हाट इज स्किन डिजीज एक्चुअली, व्हाट इज स्किन डिजीज, द डिजीज ऑफ द स्किन इज कॉल्ड ए स्किन डिजीज। व्हाट आर द स्किन डिजीज? बेसिकली स्किन डिजीज दो ही है, तो आप लोग हंसी आएंगे कि दो ही स्किन डिजीज, कट यानी वूंड एंड बर्न, बर्न इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हो, रेडिएशन जो भी हो, या आग से हो, सिर्फ दो ही है। अगर आप तकवे के साथ सोचेंगे स्किन में दो ही प्रॉब्लम होता है, स्किन की मसला यानी कट या वुंड, यानी सबब किधर है स्किन में, तो इलाज किधर चाहिए, स्किन में ही चाहिए, अंदर दवा देने की जरूरत है। अगर ज्यादा इन्फेक्टेड होने के उसको रोकने के लिए हम अंदरूनी तौर पर दवा दें, अगर किसी को हाथ जल तो स्किन बर्न हुआ जल, तो वो अपन लोकली उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गौर करें स्किन में दो ही डिजीज है, कट एंड वुंड, यानी कि स्किन की जाती मसला है वो, बाकी जितनी भी डिजीज आप उठा के देखो वो स्किन डिजीज नहीं, वो स्किन में अलामत आ रहे, एक्जिमा हो, स्कैबिस हो, सोरियासिस हो, हाथ पैर का पटना हो, कोई बॉयल्स आ रहा हो, या ऐसे कुछ कुजली आ रहा हो, या आपको नमनेस फील हो रहा हो, आपको टिंगलिंग नमनेस हो रहे, आपको पैरस्थेस, आपको हीट, या कुछ तो कुछ फीलिंग हो रहा है, दिस आर ऑल नॉट स्किन डिजीज एक्चुअली, दिस आर ऑल द सिम्टम्स। लाइक जैसे आपको किसी को अंजेना हो गया, कोई मरीज को अंजेना में जो पेन होते, जो रेडिएट होते, जो हाथ में और छोटे उंगली तक जाते हैं, कभी जो के तरफ भी जाते हैं, कोई अंजेना वाले जाके हाथ का ट्रीटमेंट थोड़ी करते, हार्ट का ही ट्रीटमेंट करते। तो जितने भी स्किन डिजीज को मुकम्मल तौर पे इलाज न मिलने की मेन वजह, हम हर चीज को स्किन डिजीज समझ के स्किन को लोकली सिम्टोमेटिक रिलीफ या कोई भी टॉपिकल यानी कि लोकल स्टीरॉयड या लोकल एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर वक्ती तौर पर सिम्टम को सबसाइड करते, उसको सबब को सही नहीं करते। इसी आप देखते हैं कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट जाके बैठो
वहाँ एक सर्वे करके देखो पेशेंट से, किसी को पूछ के देखो कितने कितने साल से आ गए, हाँ मैं 25 साल से, आप, मैं 20 साल से, कई का प्रॉब्लम एक्जिमा, वो जवा दवा इस्तेमाल करते चले जाते, जिस दिन दवा बंद करते तो डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर दूसरा दवा लिख के देते, फिर 1-2 महीने आराम है, ये सिलसिला जारी है कब, सालों से, 1-2 महीना नहीं सालों से सब 40 स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो ट्रीटमेंट यानी कि सबब, अगर सबब भी स्किन में तो हम बोल सकते स्किन डिजीज है, क्योंकि सबब अगर स्किन में तो स्किन में इलाज करो, सबब कहीं और है तो आप स्किन में क्या इलाज करोगे, सिम्टोमेटिक रिलीफ करना पड़ेगा, मुसक्किनात इस्तेमाल करें। तो ये रहा मॉडर्न के एस्पेक्ट। डर्मेटोलॉजी में कोई भी चीज को लोग एक्जिमा कहते हैं, उसको क्लासिफाई किया ABCD के हिसाब से, नाइलॉन एक्सीमा, एलर्जिक एक्सीमा, डिटर्जेंट एक्सीमा, कॉन्टैक्ट एक्सीमा, बहुत सारे एक्सीमा का तकसीम किया है, या डर्मेटाइटिस, कोई भी स्किन डिजीज को डर्मेटाइटिस, सबका एक ही पैटर्न है। और जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो लिख के देते वही एक सादा UG MBBS डॉक्टर के पास वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बस इतना फर्क है कि इनके पास जो जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी कराते। स्किन की मसला में आप देखते होंगे इन्वेस्टिगेशन आपको कुछ नहीं मिलता, अगर किसी को कीड़े भी पड़ गए पूरी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए, इतना जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया स्किन के, आप जाके खून चेक करा के तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, अनटिल एंड अनलेस लीवर एंड किडनी का इन्वॉल्वमेंट या कोई दूसरा अगर मेटाबॉलिक इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो फिर भी स्किन स्पेशलिस्ट बोलते ब्लड चेक करा के, इवन सोरियासिस पेशेंट का ब्लड चेक करा के तो इट विल बी नॉर्मल, एक्जिमा एक्सट्रीम एक्जिमा का भी ब्लड चेक करा के तो द ब्लड पिक्चर विल बी नॉर्मल, फिर क्या चेक कराते। तो दैट्स ऑल अबाउट द मॉडर्न, वो जो थॉट है वो क्या है, वो स्किन स्पेशलिस्ट उनके ट्रीटमेंट की लिमिटेशन क्या है, उसकी वजह क्या है। अब रहा जो यूनानी एस्पेक्ट, जो यूनानी फिलोसफी के हिसाब से हमने बताया कि कोई भी वजू या कोई भी सिस्टम को इलाज करने से पहले उमूमी तौर पे उस सिस्टम का मिजाज, उस फंक्शन के भी एक मिजाज एक कैफियत को जानना जरूरी है, नहीं उसको कहते माहियत, जिसे हमने कल्ब की मिजाज जाने, जिगर की मिजाज जाने, तो जिगर में क्या क्या तबई गैर तबई तब्दीलियाँ हो सकती हैं, उससे हमको उस हिसाब से उसूल इलाज बांध सकते हैं। यहाँ स्किन के ताल्लुक से यूनानी की कंसेप्ट क्या है, नो डाउट स्किन ऑल्सो इट्स अज़ा एक ऑर्गन, सबसे मुतदिल मिजाज रखने वाले कैफियत मिजाज रखने वाली इंसान के अंदर कोई है अगर तो वह है स्किन। बाकी सब चीज हम बोल सकते हैं, जिगर गर्म है, दिमाग ठंडा है, हार्ट गर्म है, हड्डी सर्द है, बाल सर्द है, ये सब बोल सकते हैं। स्किन 100% ने मुतदिल हकीकी ने मुतदिल की करीब करीब इतिदाल की हालत, क्यों, क्योंकि एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो मीटर के बीच में, जैसे अपने जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए हम लोग जो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो न्यूट मिडिल में रहना चाहिए, इधर भी नहीं रहना चाहिए इधर भी नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने स्किन को इतिदाल में रखा, मिजाज इतिदाल में, और वो भी तमाम स्किन इतिदाल में, उसमें और उससे और ज्यादा इतिदाल के करीब हाथ की उंगलियों के, क्योंकि हाथ से हम सब चीज को परखता है, महसूस करता है, परसीव करता है, उसमें भी सबसे मुतदिल के करीब हमने पढ़ा अंगुष्ठ शबावा, उसका भी उस उंगली में भी एक सबसे मुतदिल करीब है पोर, इन उंगली की जो आखिरी हिस्सा जो डिजिटल पार्ट, ये है सबसे मुतदिल हिस्सा, इसे हम नब्ज देखते हैं, कोई चीज़ की फीलिंग करते हैं, एहसास करते हैं, कभी कभी पेशेंट है तो अपन हाथ रख के देखते हैं पेशेंट की मालमस क्या है। तो इसे एक चीज साबित हुई कि आपकी बॉडी के सबसे मुतदिल करीब जो अज़ा है, मुतदिल के करीब अज़ा जो है वो है स्किन। इससे क्या होता है कि जब भी आपकी कोई भी चीज आपके अंदर अगर समझो गैर तबीयी चेंजेस अगर आ गए, तो सबसे पहले आपकी सिस्टम में, अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, आपकी मेदा हो, आपके कल्ब की सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम अगर कोई गैर तबीयी हालत में चले गए, तो सबसे ज्यादा उसकी असर स्किन में दिखेगी आपको।
यानी कि आपकी तकवा अगर परफेक्ट है तो स्किन देख के आपको बहुत सारे चीज के अंदाजा लगा सकते कि भी हम चेहरा देख के बोल सकते हैं मैदे में हिद्दत है, जिगर में हिद्दत है, जिगर की हिद्दत चेहरे से समझ में आते, मैदे की हिद्दत या आपके अंदर सूए आजम की कोई मसला आ रहा है वो भी हम चेहरा देख के बोल सकते इसकी मैदा सही नहीं है, इसकी जिगर सही नहीं, इसकी कब्ज सही नहीं, इसकी कल्प सही नहीं, यानी कि हमारे लिए एक बेहतरीन पैरामीटर है, बेहतरीन एक स्क्रीन है वो स्किन जो जिसके जरिए हम बहुत सारे गैर तबी हालत को मालूम कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे में अगर दाग पड़ गया जिगर की इद्दत के से आप फेयरन लवली या कोई भी फेयरनेस क्रीम लगा के वक्ती तौर पर आप उसको क्या कर सकते हैं फेयर कर सकते हैं, लेकिन सबब वहां है इद्दत जिगर वापस फिर आप जिस दिन आप दवा बंद करेंगे वापस आ जाते हैं। ये अक्सर इसीलिए हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट छूटता ही नहीं क्योंकि वो जिंदगी भर वो स्किन स्पेशलिस्ट से अटैच हो जाती है क्योंकि सिम्टोमेटिक और पेशेंट बाकी कोई मसले में खासतौर से औरतें भी ये तो कॉस्मेटिक मसला भी है तो इस पर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट ज़्यादा पैसा लेता भी है और स्किन की जितने भी प्रोडक्ट है सब महंगा है क्योंकि उस जब कॉस्मेटिक इशू आ जाते तो आदमी कितना खर्चा करने को रेडी रहता है। तो एक इतिदाल की हालत में यानी एक इतिदाल ऑर्गन है बॉडी की कोई भी फंक्शन में अगर तगैर आ गया तो सबसे पहले समझ में आते कि वो स्किन किन स्किन के थ्रू आप स्कैन कर सकते इसकी क्या मसला है, ये हो गया। अब यूनानी के अंदर भी बहुत सारे कुछ ऐसी गलतफहमी है और ऐसी कुछ तोट है जबकि हम कहते हैं यूनानी में बहुत अच्छी स्किन के लिए बहुत ही मतलब क्रॉनिक डिजीज में बहुत प्रॉब्लम, लेकिन हम भी क्या करते हैं स्किन का मसला आ गया तो फट करके हम सोचते हैं कि खून खराब हो गया या खून गंदा हो गया चलो कोई मुसफियात लिख के दे दिया जाए तो वो रट के रखे हमने कुछ से मुसफियात की पूरी एक लिस्ट इत्रिफल शायत्रा इत्रिफल माजुने उशबा सर्पों का ये वो सब खाली मुसफियात से इलाज करने की कोशिश करते। व्हाट इज मीन बाय मुसफिया या मुसफी तस्फिया का काम कैसे करेंगे इज देयर एनी मेटाफिजिक्स वो पहले सोचने की कोशिश। वो वर्ड मुसफिया कौन एक कॉमन वर्ड है वो हम जैसे डॉक्टर लोग को हकीम लोग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। खून अगर साफ हो रहा है उसके पीछे एक अनसीन एक टेक्नोलॉजी एक मैकेनिज्म है वो क्या है। जब आप हम पढ़ते हैं स्किन डिजीज को यूनानी के एक आद और एक मुजमिन स्किन डिजीज को गिनते हैं एक एक्यूट एंड क्रॉनिक तो बेसिकली अक्यूट ज्यादातर सफरावी और धमनी जितने भी स्किन डिजीज एक्यूट में आता है और जितने भी क्रॉनिक स्किन डिजीज है वो बलगमी और सौदा में आता। ये बलगमी और सौदा ऐसे रट के मत रखो वो उससे मेरा मुराद वो मिजाज है यानी कि हिद्दत से यानी कि सफरा और दम में हिद्दत है गर्मी से सबसे ज्यादा स्किन में मुतासिर होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्यूट डिजीज गर्मी से होता है और क्रॉनिक डिजीज सर्दी से आते हैं सौदा से और दम से। अगर सपोज आपको गर्मी की वजह से दाना निकल रहे तो आपकी कैफियत आपकी जो नॉलेज आपकी तक अगर सही है तो आप लोग क्या करेंगे त्रिफल शैत्रा और मुरक्का मुसफी जितना माजून मुरक्का मुसफी जितनी मुसफियात पढ़ के रखे सब लिख डालते। अगर आपको माने इस गर्मी के दाने की मेटाफिजिक्स उसके पीछे जो अनसीन कैफियत वो गर्मी है हिद्दत है सिर्फ आप मशरूम आमला लिख के दो या जवारी शामला लिख के दो या जवारी शाही लिख के दो या सफूफ किसमिस लिख के दो एक दो डोज में इसकी दाना कम हो जाएंगे निकल जाएगी तो क्या हो गया मशरूब आमला मुसफी खून हो गया तो क्या कम कर हिद्दत को कम करके स्किन को सही किया। जैसे किडनी फेलर के अंदर सीकेडी के अंदर जब यूरिमिया उमूलते मैदा बढ़ने से खुजली बहुत आता किडनी फेलियर पेशेंट को ब्लैक हो जाता है स्किन तो डॉक्टर लोग क्या करते कभी कुछ एंटीस्टामिन लिख के दे देते कुछ डॉक्टर सोडा का टैबलेट देते व्हाट इज सोडा कुर्सी अल्कली तो आपने कुर्सी अल्कली 1 TDS दे दिया उसके अंदर कुछ कम हो तो इसका मतलब क्या है पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब हमारे खून साफ हो गया कुर्सी अल्कली से कुर्सी अल्कली अल्कलाइजर का काम किया वो मूलत यानी एसिडिटी खून को कम किया
उष्मा बॉडी हरारत को कम करते, संदल बॉडी हरारत को कम करते, उन्ना बॉडी हरारत को हिद्दत को कम करते, यानी हिद्दत से अगर गर्मी, हिद्दत से कुछ कुजली हो रहे तभी वो कम करे। अगर आपकी बॉडी में कुजली रुतुबत की वजह से है, कोई ताफू नहीं, तो जितने भी लैक्सेटिव उठा के दो तो आपकी कुजली कम हो जाएगी। जैसे हम साफी पीता है, साफी में सनाई मक्की है, सनाई मक्की और साफी पीने से मोशन अच्छे मिलता है, तो आपकी पिंपल्स भी कम हो जाती है, क्योंकि हमको हमने पढ़ा है कि ताफुन की एक रीज़न रुतुबत है। तो आप बॉडी की रुतुबत को ख़त्म करके दो, आपकी ताफुन या आपकी जितने भी इश्यूज है, स्वेलिंग है, मतलब बॉयल्स वगैरह, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो कभी रुतुबत से कम हो जाती, कभी आपके हाथ पैर फट रहे खुश्की की वजह से, सौदा की वजह से, आप इंटरनली रत्तब दवा दो, शरबत उन्नाब दो या घी पिलाओ, और लोकली कुछ ऐसी चीज लगाओ जो उसको रुतुबत आए। तो मुसफ़ी खून का कंसेप्ट क्या है? मुसफ़ी खून का भी कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के जैसे, गर्मी से अगर किसी को खुजली हो रहा है उसको सर्दी कर, सर्दी की तरफ लिख के जाओ। खुश्की से अगर किसी को खुजली हो रहा है उसको तरी पहुंचाओ। सर्दी से अगर तकलीफ हो रहा है तो गर्मी पहुंचो। इधर भी कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है। हमारी जो मेन यूनानी की फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ बदल, हम नहीं बदल रहे, हम हर जगह हमारे उसूल पे अटल है। ये स्किन ने समझ के हम सिम्टोमेटिक रिलीफ पे नहीं जाते। तो याद रखने का, द मुसफ़ी का कंसेप्ट दिमाग से हटा डालो। कोई भी डिजीज आए वो खून साफ करो या खून गंदा हो गया बोल के ये जरिया इख्तियार मत, खून गंदा ये वर्ड इस्तेमाल मत। यहां तक कि कुछ हिजामा करने के टाइम में भी पेशेंट को बोलते हैं तुम्हारी गंदा खून निकाल रहे, सामने वाला क्या समझते हम किस दौर के लोग हैं, हमारी थॉट क्या है, इन लोग कुछ जानता नहीं, खाली अभी भी वही पुराने जमाने की बातें कर रहे। समझाओ उनको क्या प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में गर्मी की वजह से। अब तुम इसमें भी उठा के देखो, स्किन डिजीज को भी क्लासीफाई करके देखो, चार मिजाज के हिसाब से, चार शिन्ने नमू शिन्ने शबाबन कहोलतन शेखोगत के सबसे, बचपन में जो पेडियाट्रिक में जो स्किन डिजीज होते हैं, एक्सीमा कुजली, सब रुतुबत की वजह से। वहाँ लैक्सेटिव की जरूरत पड़ती है बच्चे को ताकि उसकी स्किन अच्छा हो जाए। जितने भी पेडियाट्रिक केसेस में अगर स्किन ट्रीट करने से पहले दिमाग में याद रखो रुतुबत इस मेन वजह है, 100% ही मेन वजह। शिन्ने शबाब में हित, जैसे पिम्पल्स हो या कोई दाना निकल रहा हो, एक्ने वल्गैरिस हो, एक्ने रोसेस, जो भी गर्मी से, यानी कि उनको तादील की जरूरत है, मुसकिनात की जरूरत है जवानी में। अब 40 के बाद में देखो ज्यादातर स्किन डिजीज ऋतु भी रहते, और यबूसत में जो बूढ़ा लोग को ज्यादातर जो हाथ पैर का फटना, स्किन फटना, सोरियासिस एज ओवर में। तो यहां मुसफियात भी अगर आप इस्तेमाल करें तो मुसफियात ऐसा सोचे कि इस दौर इस एज में क्या मुसफियात, इस एज में क्या कैफियत की मुसफियात इस्तेमाल कर। हमने हमारी मुफरदात में रट के रखी सरपूका, शायत्रा, चरहता, संदल सुर, संदल सफेद, उन्ना, चोपचीनी, बस उससे अगर कोई कंडन या उसी में डाल के कोई कंडन बना के कोई किसी में कोई सिरप निकाल दे अपने हिसाब से मुसफिया खून हो गए, ये गलत है। ये तरीका मत अडॉप्ट करो। जो अगर इफ यू आर कॉन्शियस, तुम्हारी कॉन्शियसली ये लेवल, अगर भले ही कोई भी एक्सीमा हो, ये देखो ये सफरावी है क्या, दम्मी है क्या, कौन सी इसमें आते हैं, वो हिसाब से उसका इलाज करो। कभी कफ सिरप से भी तुम्हारा स्किन अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शरबत खसखस, शरबत खसखस ज्यादातर मुझे बच्चों में स्किन डिजीज में जबरदस्त रिजल्ट मिलता है एक्जिमा में। क्यों? शरबत खसखस बेसिकली स्किन हम लोग लंग्स में और खांसी को बंद करने के लिए इस्तेमाल, मैं मुख्तलिफ जगह पे उसको इस्तेमाल करता हूँ। शरबत खसखस सर्द खुश्क है वो। अब खुश्की चाहिए पेडियाट्रिक में, पेशेंट के बहुत सारे डिजीज उसमें अच्छे हो जाते। तो ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर लेबल दो मुसफी खून, ये ब्लड प्यूरिफायर, ऐसे लेबल ट्रीटमेंट मत किया करो। वो कोई भी एक आम आदमी कर सकते, बट यू आर एन हकीम। तो क्लासीफाई करो आप पहले दो, एक तरीका ये भी, एक हाथ एक या मुजमिन एक, जितनी भी स्किन डिजीज उठा के देखो आपको मिलेंगे अक्यूट विद द सफर। फॉर एग्जाम्पल
अर्टिकेरिया, इसको शरा कहते हैं, अर्टिकेरिया हो या परप्यूरा हो, मॉडर्न के हिसाब से स्किन डिजीज है, वो एंडिस्टामिन उठा के लिख के देते हैं, सेट्रिसिन एक्टिफेट जो भी एंडिस्टामिन। हमारे पास अगर कोई दाना निकल तो हम एक ही चीज सोचते थे, खून खराब गंदा हो गया। हम खून गंदा हो गया ये हिसाब से बता सकते हैं मरीज को, तुम्हारे खून के अंदर जो गिलजत होना चाहिए वो पतला हो गया सफरा की वजह से, बाइल की वजह से, और तुम्हारी छोटी छोटी कैपिलरी ब्लीडिंग हो रही है। इसको मॉडर्न में अर्टिकेरिया कहते हैं, यूनानी में कहते हैं खून पतला हो गया। ये भी किस्म से खून गंदा होना बोल सकते, लेकिन पेशेंट को समझाओ। अब तुम्हारे खून को गाढ़ा जब करेंगे तो ये रुक जाएगी। तो खून गाढ़ा करने के लिए हम क्या देते, बलगनी दवा देते, शरबत तमरलिंग, जवारी शामला, जवारी शनारे, जवारी शाही, काइमिल सिरप, सफूफ किसनीसी, सर्द खुश्क या सर्द दवा, सर्द तरदा जो सफरा को लगा दिया, तो तुम्हारा खून साफ हो गया। किसी को एकाइमोसिस हो रहे, बड़ा कैपिलरी ब्लीडिंग हो रहे, ब्लीडिंग हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो सर्द खुश्क दवा देता कि रक्त मतलब खून को रोकने की इंजिमारी कैफियत में कुछ प्रॉब्लम हो क्लॉटिंग फैक्टर्स में। तो जहां क्या इस्तेमाल करना वो इसके हिसाब से इस्तेमाल करो। अब मॉडर्न मेडिसिन में और यूनानी में एक कॉमन चीज जो जानते हैं सब लोग, हम लोग कोई भी एक्सटर्नल एक्सिमा वूंड के लिए वूंड में मरहम क्यों लगाते, हम ये समझते वूंड को हील करने, नहीं, वूंड हीलिंग में मरहम काम नहीं करता, याद रखना, वो मॉडर्न हो यूनानी हो। मरहम फर्दर सेप्टिक होने या सेप्सिस या फर्दर इन्फेक्शन को रोकने के लिए दवा लगाते। पहले जमाने में क्या था, तो पुराने जमाने में अगर किसी को बड़े सर्जरी हो गया या एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, फिर डेली एक एक दिन छोड़ के जाता था ड्रेसिंग के लिए। अभी ड्रेसिंग नहीं, खाली उसको सिलाई करके एंटीबायोटिक दे के घर भेज देते। या अगर आपको LSCS हो गया, अगर सीजरियन हो गया, सीजरियन यूट्रस को भी पहले सिलते फिर बाद में एब्डोमिन भी सिलते, तो यूट्रस में कौन मरहम लगाता है। तो हीलिंग के लिए बॉडी, हीलिंग प्रोसेस बॉडी खुद करता है, मरहम लगाता है ये पहले, अगर को मरहम लगाते हो एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए, वुंड खुद बॉडी हील करता है। तो फिर वह कंसेप्ट क्या है, यूनानी की कंसेप्ट मॉडर्न से ज्यादा डीप में। यूनानी वाले, मॉडर्न वाले क्या करते हैं एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के लिए, हम लोग क्या करते हैं उस माहौल को ही खत्म कर डालते हैं। यानी कि अगर सपोज फंगल है ग्रोथ वहां रुतुबत के ऐसे हो रहे, तो हम हाबिस काबिस मुझे फिर दवा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे जितने भी एक्सटर्नल एप्लीकेंट है, संदर सुर्ख हो, गेरू हो, मुल्तानी मिट्टी हो, सब चीज क्या करते हैं एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट लाके वो एरिया के ताफुन को रोकता है। अब मॉडर्न में आप देखते हैं कि जितने भी वेरिकोस और डायबिटिक वूंड आते हैं, चार चार पांच पांच साल ही लोग आखिर एम्पुटेशन तक पहुंचते, क्यों करते हैं लोग ये चक्कर में कि डेली आयोडीन पायोडीन से साफ करके वूंड को तकलीफ देता, उनको हीरो करने ही नहीं देता, डेली अल्टरनेटिव ड्रेसिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं खुश्क एक माहौल क्रिएट करते ताकि वह हीलिंग प्रोसेस यानी कि ताफुन रोक के हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। इसे जितने भी सर्द खुश्क दवा एक्सटर्नली अगर कुछ भी नहीं, अब सादा सीधा मिट्टी जो है, मिट्टी से मुराद साफ मिट्टी जिसको हमने गंदा नहीं किया, वो मिट्टी भी लगा अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही, हकीम साहब क्या करूं दवा नहीं है, दुकान नहीं है, हम ऐसी जगह पे खाली मट्टी की मट्टी बाकी कुछ नहीं, तो हकीम साहब को उसने कॉल किया कुछ तो कुछ हिकमत बता देंगे। इसी ने कि आप कल आओ क्लिनिक खोलने के बाद में, ये सब हिकमत हकीम साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कुछ तो कुछ हकीम साहब अभी मुझे हिकमत बता देंगे। तो ना एक मट्टी साफ मट्टी निकाले या जमीन के अंदर से थोड़ा मट्टी निकालो पाउडर करके, वो मट्टी को जख्म में रख के बांध दो, क्योंकि मट्टी का काम क्या, सर्द खुश्क की मट्टी ब्लीडिंग को रोक दिए, सर्द खुश्क की चेक द ब्लीडिंग, बाद में उसको एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी हो गया, बस इतना ही करना है। तो हर चीज को इस लिहाज से अगर हम देखेंगे, जैसे मरहम राल है इंतहाई किस्म का आबिस काबिस से, मरहम कूबा है वो एक किस्म का, उसके अंदर कूबा मतलब रफ चीज को खत्म करता है। मरहम काफूरी इच्छिंग को रोकता है, जैसे आपको जो ज्यादा इच्छिंग हो रहा है तो इसके अंदर काफूर है। मरहम जो खारिज जदीद है जिसके अंदर सफेदा काश्किरी है वो अलग काम करता है, मतलब कुछ जगह वो सुकून का काम करता है, कुछ जगह
तजफीफ का काम करता है, कुछ जगह मुसक्किन का काम करता है, कुछ जगह मुरतब का काम करता है। ये सब के एक अलग अलग एक एक मेटाफिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं कि वो मुसफ़ी हो रहे, ये भी मुसफ़ी है, नहीं सभी, वो एक्सटर्नल भी हो तो भी एक मेटाफिजिक्स है, इंटरनल भी अगर इस्तेमाल करे तो भी एक मेटाफिजिक्स है। तो पहले क्लासिफाई करो अक्यूट में क्रॉनिक में क्या है। अब रहा सवाल, अपन आपको मालूम पड़ा इनकी स्किन डिजीज गर्म है। अब गर्म बोले तो दो गर्म डिजीज हो सकते, सफरावी भी गर्म है, दम्बी भी गर्म है। तो सफरा में ताफुन ज्यादा नहीं होते, तकलीफ ज्यादा होता, जैसे छोटे छोटे दाने जैसे निकलता है, लेकिन दम के अंदर हरारत भी है, रुतुबत भी है, तो ताफुन के साथ बड़े बड़े बाल तोड़, बड़े बड़े पुंसी, बड़े 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 साइज के आते हैं, और उसके अंदर थ्रॉबिंग पेन भी होते हैं, उसकी पूरी की पूरी साइन एंड सिम्टम हवा के मिलेंगे तुमको। ये नहीं पूछने की जरूरत नहीं कि अगर आप हकीम हैं तो डॉक्टर साहब फिर आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे ये सफरा भी है कि दम्बी है। सफरा के बारे में अगर किसी के पास जानकारी है दुनिया के ताल्लुक से और दम हवा के हो तो ईजिली वो डायग्नोसिस कर सकते हैं दम्बी है क्या सफरा भी है क्या। सेम चीज सौदा क्या बलगमी के अंदर, बलगमी जो स्किन डिजीज है वो अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए याद रखो ज्यादातर वेरिकोस अल्सर जो बलगमी और दम्बी में जो रुतुबत की वजह से, उसको आप इंतहाई किस्म का आबिस काबिस मुजफ्फिस दवा देना पड़ेगा। अभी मॉडर्न में जो हमारी कंसेप्ट में चलने वाली एक आम दवा है, आप लोग सब इस्तेमाल किया होगा, उसको क्या बोलते हैं हमने जो पिंबल्स के लिए अक्सर लगाते हैं, कौन सी कार्पिन है क्या नाम उसका, लैक्टोकैलामिन, लैक्टोकैलामिन आप लगा के देखो ड्राई हो जाते। अब लैक्टोकैलामिन बड़े बड़े स्किन स्पेसिस भी लिख के देते हैं ड्राई स्किन में भी, कभी ड्राई स्किन वाला लैक्टोकैलामिन लगाना ही नहीं, जो रुतुबे टाइप की जो इन्फेक्शन है पिंपल से उसी में तुम लैक्टोकैलामिन लगाओ, वरना तुम्हारा स्किन की टेक्सचर और वो कॉम्प्लेक्शन और शाइनिंग खत्म हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि कुछ डॉक्टर लोग कहते थे साबुन मत लगाओ तुम, ये लगाओ बेसिन, बेसिन इंतहाई किस्म का आबिस मुजफ्फी है, आपकी तेल को वापस खींच लेते, और मसूर की दाल वगैरह लगाते, ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन में कभी ये नहीं लगा सकते। तो पहले डिसाइड करो स्किन की नेचर क्या है, ड्राई है क्या, ऑयली है क्या, रुतुबी है क्या, ड्राई है क्या, या फिर आपको डिजीज को देख के ये एक उसूल इलाज होना चाहिए। उसूल इलाज पहले सबब का इजाला, फिर वो कैफियत क्या देखो स्किन डिजीज का, डायरेक्ट मुसफ़ी खून इस्तेमाल करो ये मत करो सके, उसके बाद तदाबीर बताओ। अगर गर्म मिजाज का इंसान है तो सर तदाबीर बताओ, सर किस्म की मिजाज के इंसान है तो गर्म तदाबीर बताओ, उससे आप मुकम्मल तौर पर स्किन की इलाज भी कर सकते और शहर के मशहूर और मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट भी बन सकते। थैंक यू वेरी मच।